फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज दिन है रविवार और अभी सुबह के बज रहे थे, शायद 9 बज रहे हैं अभी। आप लोगों को मेरा जो लुक है, मतलब गेटअप है, वो चेंज दिख रहा होगा और जो जगह है वो भी आप लोगों को चेंज दिख रहा होगा। तो जैसे कि मैं अपने ससुराल, मतलब मेरे अपने घर पर आई हूँ और दिल्ली से हम लोग आए हैं 15 तारीख को ही। और क्या है ना कि यहाँ हमारा अचानक आना क्यों हुआ और किस रीज़न से, मतलब हमें सबको अचानक आना पड़ा, मेरी फैमिली, मतलब मेरे बच्चे और मैं और हस्बैंड, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो पे शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे खाना वगैरह मैंने सुबह बना दिए थे। तो जैसे ना 7:30 या 8 के लगभग खाना बन जाता है, तो जल्दी से जल्दी ना खाना वगैरह खा लेते हैं। तो सुबह मैंने कद्दू की सब्जी और चावल बनाए थे। और ज़्यादा क्या है ना, हमारे यहाँ चावल खाना ही पसंद करते हैं हम लोग, तो बाहर चले गए हैं ना तो थोड़ा रोटी वगैरह खा लेते हैं, पर यहाँ पर अधिकतर चावल खाना ही पसंद करते हैं। तो बस वही खाना वगैरह हो गया था, तो वही बर्तन यहाँ पर मैं साफ़ कर ली हूँ फ्रेंड्स, और सारे बर्तन साफ करके एक साथ रख दूँगी। और एक तो घर पे पता है, जैसे मैं, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड ही है, दोनों मेरे जो बच्चे हैं ना, तो मेरी मम्मी लोग आई थी ना, तो उन्हीं के साथ चले गए हैं। तो यहाँ देखिए, मेरा किचन पूरा क्लीन कर दी थी और बर्तन भी हो गया था। और ये बेडशीट ना मैंने सुबह भिगो के रखे थे निरमा में, और कुछ ससुर जी के कपड़े थे तो उसको भी भिगो दिए थे, तो बस इन्हीं को मैंने धो लिए है। और धोने के बाद में इनको हाथों से निचोड़ के बस अब इनको सुखाने के लिए चले जाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि कपड़े का जो होता है ना, सुबह सुबह कर दो तो ठीक रहता है। एक तो यहाँ ना बारिश वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कभी बारिश हो जा रहा है, कभी मौसम खुल जा रहा है, मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो बस इसे मैं छत पे चले जाऊंगी और कपड़े वगैरह डाल दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने छत की दीवारों पे ना यहाँ पे कपड़े फैला दी हूँ, बेडशीट और बाबूजी के कपड़े। और कुछ कपड़े थे जो 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे, तो उनको मैंने सुबह ही फैला दिए थे फ्रेंड्स। और यहाँ पे पति देव जी पंखे को साफ कर रहे थे, काफी गंदा हो गया था। तो डायरेक्ट ना आप लोगों को श्याम को मिल रही हूँ और अभी बज रहे हैं 6 और कई सारे मुझे काम थे साफ सफाई वाली, तो वही सारा मैंने किए है, दरवाजा वगैरह साफ करना और कई सारे चीज थे मुझे करने का, तो वही सब मैंने किए है फ्रेंड्स। तो काफी टाइम लग जाता है जब हम क्लीनिंग करते हैं, तो मैं सोची कि चलिए अब आप लोगों से थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग YouTube फैमिली मेरे छोटे से हो, पर ये है ना कि जैसे आप लोग मुझे डेली देखते हो, तो मुझे भी अपना जो भी बात है वो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग मुझे डेली देखते हो और इतने दिनों से मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं। तो बस मैं आप लोगों से, मतलब जो मेरी घर की बात है, जैसे कि बहुत ही दुख भरी बात है जो हमारे घर में हुआ है, और मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब लग नहीं रहा है अच्छा, क्योंकि देखिए दुख होता है जब हमारे अपने बड़े हमारे घर पे हो और बड़े अगर हमको छोड़ के चले जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है और इसमें अच्छा नहीं लगता है। फिर भी देखिए, कहते हैं ना कि भगवान के सामने ना कुछ मंजूर नहीं होता है, मतलब भगवान जो करे वो हम उससे रोक नहीं सकते हैं ना, क्योंकि भगवान के हाथ में ही होता है सब कुछ। इस दुनिया में हमें लाना और ले जाना उन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रखा है फ्रेंड्स। तो जैसे कि 15 तारीख को हम लोग ना अचानक, मतलब जैसे कि हम लोग, मतलब बच्चों के एग्जाम भी 15 तारीख से ही शुरू थे और हम लोग बस मतलब उठने वाले ही थे बच्चों के लिए। जैसे मैं उठती हूँ 4:30 या 5:45 के बीच में, तो उसी समय ना घर से फोन गया, क्योंकि बाजू में मेरी नंद भी रहती है, यहाँ मेरा ससुराल है तो जस्ट बाजू में ही मेरी नंद का घर है। तो जस्ट मतलब जो मेरे नंदोई है, उन्होंने कॉल किया कि मतलब जो मेरी सासू माँ है वो इस दुनिया में नहीं रही। तो उसी समय हमें सुन के ना बहुत अजीब सा लगा। और फ्रेंड्स क्या है ना, सबसे पहली बात पता है, मेरी जो सास थी ना वो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो बहुत ज़्यादा अपने शरीर को लेकर बहुत कष्ट में रहा करती थी। तो वही है कि देखिए, भगवान के सामने ना हमारी कुछ मर्जी नहीं चलती है, तो इस दुनिया में मेरी सासू माँ नहीं रही है, तो बस इसी वजह से हमें मतलब सडनली आना पड़ा दिल्ली से एकदम से, मतलब सुबह 4:30 बजे हमें कॉल गया कि नहीं रहे करके। तो फिर हम लोग फटाफट उठ के अपना फटाफट रेडी हुए और फटाफट मतलब कि अपना जो मतलब कि हमें फट से आने के लिए सुविधा, मतलब जो भी होता है, चाहे ट्रेन से बोलो या चाहे प्लेन का, जो भी हम लोग सुविधा एकदम से देखे इमरजेंसी में, तो हम लोग पता है फिर एकदम से ट्रेन से निकले 8 बजे सुबह। और जब हम ट्रेन से निकले फ्रेंड्स, तो वैसे ही जैसे कि क्या है ना कि जैसे सडनली हमें निकलना पड़ा, तो कभी भी हमारा सीट वगैरह कंफर्म तो नहीं था, तो हमें सडनली अपना जो
होता है ना, मतलब करंट में जो टिकट बनता है वही हमें बुक करना पड़ा और एकदम से आना पड़ा फटाफट, कैसे भी कपड़े भर भूर के फटाफट हम लोग निकले ताकि कि हम जल्दी घर पहुंच मतलब पहुंच सके। तो फ्रेंड्स ये है ना कि सासू माँ का तबीयत मतलब जैसे अप डाउन होते रहता था, तो ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें कुछ हो जाएगा। कभी अच्छी रहती थी, कभी मतलब उन्हें मतलब होता है शरीर कभी अच्छा रह रहा है कभी बुरा रह रहा है, तो यही सब उन्हीं के साथ हुआ करता था। तो ऐसे कभी नहीं लगा कि मतलब एकदम अचानक ऐसा हो जाएगा, तो इसी वजह से ना हमें अचानक आना पड़ा यहाँ पे ससुराल में। तो बस यही बात है फ्रेंड्स कि मतलब हमारे घर में हमारे बीच में मेरी सासू माँ नहीं रही, ये घर काफ़ी सूना हो गया है। और अच्छी बात थी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। और एक तो यहाँ पता है मैं सिर्फ अकेली हूँ, और मतलब मैं और मेरे ससुर जी हैं और मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरे बच्चे हैं ना, तो जैसे कि मम्मी वगैरह आए थे ना घर से, तो मम्मी वगैरह के साथ में बच्चे जा चुके हैं और बस हम तीन ही लोग हैं, तो काफ़ी ना घर में सूना सूना सा लगता है। बस यही था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो चलिए मिलते हैं आप।